ओम नमः शिवाय। वैदिक सनातन डिकोडेड में मैं वैभव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और चल रही है हमारी टेंपल की सीरीज, और आज इसी टेंपल की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक और भारत के अद्भुत मंदिर के बारे में। और ये इतना अद्भुत मंदिर है कि इसके बहुत सारे रहस्य हैं, और एक बहुत ही बड़ा रहस्य जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर मंदिर में 25,000 से भी ज़्यादा चूहे क्यों हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और मंदिर है करणी माता का। जय माँ भवानी, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा जय माँ भवानी। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने विशेष कारणों से भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इन मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान में स्थित करणी माता के मंदिर के बारे में। मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? ये आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है। मंदिरों में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है? इस रहस्य से विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पाया है। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगवाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा भोग लगाए गए जूठे प्रसाद को भक्त जनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चैत्र एवं आश्विन माह के नवरात्र में देशनोक में विशाल मेला लगता है। संवत 1595 की चैत्र शुक्ल 14 से इस मंदिर में करणी जी की पूजा होती आ रही है। मंदिर में असंख्य चूहों की रक्षा के लिए एक महीन जाली भी बनाई गई है ताकि कोई शिकारी जानवर इनकी हत्या ना कर सके। मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त भी सावधानी से पैर सरकाते हुए आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि किसी चूहे के कुचल जाने की स्थिति में उनके स्थान पर चांदी का निर्मित चूहा रखा जाता है। करणी माँ के दर्शन करने का सबसे शुभ समय नवरात्र माना जाता है। यहाँ सड़क परिवहन के जरिए आप आसानी से पहुँच सकते हैं। बीकानेर जोधपुर राज्य राजमार्ग पर स्थित होने के कारण यहां से साधन आसानी से मिल जाते हैं। मंदिर संस्था द्वारा पर्यटकों की विशेष सुविधा हेतु यहां धर्मशालाएं भी बनाई गई हैं। इस मंदिर के बारे में कथा है कि करणी माता का जन्म सन 1387 ईस्वी में एक चारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिघुबाई था। रिघुबाई की शादी साठिका गाँव के किपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया, इसलिए उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा कर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जनकल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रिघुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहां ये मंदिर बना हुआ है वहां पर एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में बनी हुई है। कहा जाता है कि करणी माता 151 साल तक जिंदा रहीं और 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लीन हुई थी। उनके ज्योतिर्लीन होने के बाद उनके भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो तब से आज तक चली आ रही है करणी माता बीकानेर राजघराने की कुलदेवी हैं। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी, मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े दरवाजे, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर में रहने वाले चूहों की अपनी ही एक विशेषता है। इस मंदिर में सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम को 7 बजे आरती के समय सभी चूहे अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है।
आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए और साथ ही साथ शेयर करिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। ओम नमः शिवाय।